हेलो फ्रेंड्स, मैं रजी अमान आपको अपने चैनल गार्डनिंग और रूफटॉप पे एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आपने जो क्लिप देखी है अभी थोड़ी देर पहले, वो मेरे पुराने बोगनविलिया से है। चार पांच जो पौधे हैं बोगनविलिया के, वो मैंने आपको दिखाया है, सारे के सारे फ्लावरिंग पे हैं। लेकिन आप एक चीज़ कॉमन है उसमें कि सारे के सारे एक ही कलर के हैं। वैरायटी अलग अलग है, कुछ ड्वार्फ वैरायटी के हैं, कुछ डबल वैरायटी में हैं, लेकिन कलर ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम है। तो मैं था कि जो मेरा कलर चेंज हो, तो कलेक्शन में कुछ नए पौधे ऐड करने थे मुझे, तो मैंने कुछ पौधे परचेज किए हैं। आप ये देख रहे हो कि ये कितना प्यारा शेड नज़र आ रहा है, कि ये शुरू से लेके ये आप देख रहे हो ग्रीन है, उसके बाद कुछ कलर ऐसा हो जाता है, फिर उसके बाद इस कलर में आ जाते हैं, फिर लास्ट में दोस्तों ये जो कलर आप देख रहे हो ये हल्का सा लाइट कलर में होके ये गिर जाते हैं। तो तीन चार कलर चेंज करता है ये, ज़्यादा ये वाला जो बोगनविलिया है तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आया था दोस्तों, तो मैंने इसको परचेज के लिए। हाँ, थोड़ा सा महंगा पड़ा, इतने छोटे पौधे के लिए 60 रुपये देना ठीक नहीं था, लेकिन मुझे कलेक्शन में ऐड करना था, एक ही कलर से मैं उब चुका था, तो मैंने ये परचेज कर लिया 60 रुपये में। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आप लोगों को ये कलर कैसा लगा। ये भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही परचेज किया था, इसकी वीडियो भी एक बार वीडियो में भी इसको मेंशन किया था दोस्तों। ये ऑरेंज कलर है, पीच कलर है, ये कौन सा कलर है दोस्तों, कलर का इतनी जानकारी नहीं है मुझे, आई थिंक ये ऑरेंज कलर है। तो ऑरेंज कलर का ये है और काफ़ी ज़्यादा अलग है, मेरे पास ये पहले नहीं था, तो मैंने इसको भी परचेज कर लिया। लेकिन और ये काफ़ी ज़्यादा अलग ही दिखता है दोस्तों, अगर कई सारे बोगनविलिया रखे हैं, पिंक कलर, रेड कलर और ये भी वाइट कलर, इसमें ऑरेंज कलर रखा होगा तो सारा का सारा जो मिक्सचर जो एक व्यू होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इंडिविजुअली दोस्तों ये वाला जो कलर है वो काफ़ी अच्छा है, और सनलाइट में दोस्तों ये देखो कितना अच्छा गोल्डन कलर इसका नज़र आ रहा है। ये जो मैंने परचेज़ किया था ये 25 रुपीज़ का था, चलो इसके लिए तो मैंने 25 रुपीज़ दे दिए थे, ये भी ठीक है, इतना 25 रुपीज़ से कम में कौन सा नर्सरी वाला पौधा देगा। लेकिन पौधे की हालत काफ़ी नाजुक है दोस्तों, तो अभी इसको तो बड़े कंटेनर में शिफ्ट करना है, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको एक प्लास्टिक पॉट में लगा रखा है, लगभग 5 इंच के पॉट में, 4-5 इंच के पॉट में लगा रखा है, और इसमें तब से ही, जब से मैंने परचेज़ किया है तब से ही इसमें फ्लावरिंग होती जा रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छा पौधा है दोस्तों। और एक और है दोस्तों, इसमें अभी ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी चल रही है और पौधा भी काफ़ी हेल्दी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल ही रेड कलर में है, जो ब्राइट रेड कलर होता है उस कलर में है, ये कलर भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था दोस्तों। इस पे एक पेंट का कतरा हल्का सा टपक गया, ऐसा लग रहा है कि पत्तियों पे डिज़ाइन बना हुआ है, जो मैं गमले पेंट कर रहा था अपने तब का है दोस्तों। इसकी जो पत्तियों का कलर है थोड़ा सा डार्क कलर में भी है, जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये भी 25 रुपये का था, लेकिन ये पौधा दोस्तों काफ़ी, जो इसकी कटिंग थी, कटिंग से ग्रो ही किया गया है दोस्तों, ये काफ़ी मोटी कटिंग लगा रखी थी उन्होंने, दो ब्रांचेज निकली हुई हैं और दोनों काफ़ी अच्छे ग्रो कर रही हैं छोटे से कंटेनर में। ये सारे के सारे एक ग्रो बैग में लगे हुए थे, तो मैंने इनको निकाल के इस छोटे से पॉट में लगा दिया। ये तीन पौधे हैं दोस्तों, एक पौधा और है, वो इसकी ग्रोथ तो बिल्कुल ही नहीं हुई है जब से लेके आया हूँ दोस्तों, इस वजह से मैं आपको दिखाया नहीं, कि होपफुली ये फ्यूचर में मेरे पास रहे भी ना रहे या मर जाए, तो होप तो अच्छे के लिए करते हैं कि ये सर्वाइव कर जाए और अच्छे से इसकी ग्रोथ हो। वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा कलर है, तो आई होप कि मेरा आपको कलेक्शन अच्छा लगा होगा। और कौन से कलर, जो कलर हैं जो मैं ऐड कर सकता हूं दोस्तों, आप लोग ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा बोगनविलिया के। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पौधों का ध्यान रखिए। नमस्कार।